थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और लंच टाइम पे लें प्लीज। अबरार भाई लंच चले आपकी गर्मी का समय है और 50 रन बिना किसी नुकसान के 4 ओवर 50 रन। नवीन भाई आज आपको कितना लगता है स्कोर कहां तक पहुंचेगा? मुझे लगता है कि शायद मेरा नाम अब्दाल हुसैन है और मैंने राजस्थान अंडर 16 को रिप्रेजेंट किया है। अभी हमने MPL मुस्लिम प्रीमियर लीग का एक आयोजन किया है जिसका मकसद सिर्फ यही है कि उदयपुर शहर के जितने भी मुस्लिम खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए हमने यहाँ पे उदयपुर की 16 टीमों का ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया है उदयपुर शहर की सारी टीमें हैं और हमने एक इसमें नई एक पहल की है कि हर टीम के अंदर सिर्फ एक ही राजस्थान खिलाड़ी जो अंडर 15 से लेकर रणजी ट्रॉफी तक का जिसने रिप्रेजेंट किया हो वो एक एक टीम में शामिल है। उससे क्या होगा, उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं उनको उनके साथ में खेलने का मौका मिलेगा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर शेयर करेंगे और उनके खेल के अंदर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो क्या अभी तक कितने मैचेस हो चुके हैं? 16 टीमें हैं, 16 टीमों के हर टीम के हमने 3 लीग मैचेस कराए हैं जिसमें से अभी हमारे 16 लीग मैच हो चुके हैं। लीग मैचेस के बाद में हमारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और 31 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल होने जाना है। क्या मकसद रहा आपका इस लीग को कराने के पीछे? हमारा मेन मकसद ये था, उदयपुर में जो क्रिकेट आजकल हो रहा है उसमें हमारे समाज की जो प्रतिभा हैं उनको अच्छा चांस मिल नहीं पाता था। वाइट बॉल से आज तक हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खेल नहीं पाए थे, तो मेरा और शफी का मकसद यही था कि हमारे जो समाज के खिलाड़ी हैं उनको भी एक इस तरीके का जो टूर्नामेंट है वाइट बॉल कलर ड्रेस वो खेलने को मिले, तो उसके लिए हमने इसकी पहल करी और अभी तक जैसा हमको दिख रहा है टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है। जनता को बताएं आपके क्रिकेट बैकग्राउंड के बारे में। मैंने 2001 में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था। मोहम्मद शफी हैं जो अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, बहुत ऊंचे लेवल का क्रिकेट ये खेल रहे हैं। हम यही चाहते थे कि हम जो 6-7 खिलाड़ी उदयपुर से हैं जिन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया इस टूर्नामेंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिले और वो भी अपने उदयपुर शहर का और अपने राजस्थान का नाम रोशन करें। वैसे ही गेम उनको भी खेलना पड़ेगा, सब 200 से ऊपर का और बड़ा टारगेट बन सकता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं मोहम्मद शफी इसी शहर का एक आम नागरिक हूँ और मेरी क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में मैं क्या बताऊँ, बट जो मैं जिस लेवल पे खेला था मैं चाहता था कि अपने जितने भी युवा हैं वो भी इस एनवायरनमेंट को फील करें और इसी सोच को लेकर हमने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। मैं और अबरार भाई की हमारी सोच ये थी कि जो कलर ड्रेस अभी आप फिलहाल ही में देख रहे हैं कि जैसे कि IPL स्टार्ट हुआ तो हम लोग जो टीवी पे देख के बाहर से जो फील करते हैं वो एक फीलिंग इनको इस ग्राउंड पे देने की हमारी पहल थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहली बार MPL में 16 टीमें भाग ले रही है इसमें और इन 16 टीमों को हमने पूरी कलर ड्रेस प्रोवाइड करी है विथ वाइट बॉल, तो ये इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और सारे प्लेयर इसमें काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। बस हमारा मेन मोटो इसको ये था कि यहाँ से कुछ ऐसे युवा हमारे सामने आए जो हमारे राज्य का और देश का नाम रोशन करें, इसी सोच के साथ हमने इस MPL का आगाज़ किया। बहुत ही बेहतरीन 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 चौका साहिर भाई के बल्ले से और हमारे भाई साहिर भाई कह रहे हैं दर्शकों को भी इसलिए हम की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। हम ये है सिर्फ हमारी तरफ से है।